घमासान.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज हमारे साथ मौजूद है राजनीति में काफी समय से पत्रकारिता करने वाले राजेश राठौर जी। तो हम उनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में क्या हलचल चल रही है। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव का आगाज होने के बाद मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल का क्या माहौल है। मध्य प्रदेश देश की धड़कन है और हिंदुस्तान के तमाम नेताओं की निगाह मध्य प्रदेश पर होती है। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात हम करते हैं तो देश का प्रधानमंत्री किसी भी दल का हो, उसका ध्यान मध्य प्रदेश पर जरूर हमेशा रहा है। खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो देश की राजनीति में माहिर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से उनका नाता रहा है। इस लोकसभा के चुनाव में जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल और ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि इस समय जो दिग्गज नेता कांग्रेस के हैं उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में खास भूमिका में हैं और उन पर विश्वास करते हुए उनको उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों का काम भी राहुल गांधी ने सौंपा है। बीजेपी की बात करें तो मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय इस समय भाजपा की केंद्रीय राजनीति में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस पश्चिम बंगाल में भाजपा कभी चुनाव नहीं जीत पाती है वहां पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी है। तो बीजेपी की राजनीति में भी मध्य प्रदेश के नेताओं का बड़ा योगदान है और दोनों ही दलों के बाकी नेता भी अपने अपने स्तर पर देश के कई इलाकों में प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाजपा और कांग्रेस ये दो अहम पार्टियां मानी जाती हैं चुनाव में, तो इन दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर क्या खींचतान चल रही है? ये बड़ा सामान्य लेकिन गंभीर सवाल है। सामान्य इस रूप में कि हर चुनाव में यही होता है कि सब नेताओं के बीच विवाद होते हैं, और गंभीर इस मायने में है कि दोनों दलों के नेता जिनको राजनीति के 3-4 दशक पूरे हो गए वो भी चुनाव के समय गंभीरता से बयानबाजी नहीं करते। मजाक के लहजे में इन दिनों दिग्विजय सिंह ने इंदौर लोकसभा सीट को लेकर कुछ जुमला छेड़ा, उसके बाद कमलनाथ ने कह दिया कि दिग्विजय सिंह किसी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़े तो बेहतर होगा। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया कि जो बड़े नेता हैं और ताकतवर अपने आप को समझते हैं वो कठिन सीटों से चुनाव लड़ें। उसके बाद दिग्विजय सिंह भी कहाँ चुकने वाले थे। दिग्विजय सिंह हर बात का हाजिर जवाब देने के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं और उन्होंने भी तत्काल दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया पर बड़ी प्रतिक्रिया कर दी और उन्होंने कहा कि जहाँ राहुल गांधी कहेंगे मैं वहाँ चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटता, पार्टी ने जब मुझे जो काम दिया वो मैं काम करने को तैयार हूँ। इस तरह की जो बातें हो रही है और वही स्थिति बीजेपी में भी है। भाजपा में ये स्थिति है कि शिवराज सिंह चौहान को भाजपा के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली भेजना चाहते हैं और उन्हें विदिशा से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि जो छिंदवाड़ा, झाबुआ और उसके अलावा गुना और ग्वालियर इलाके की जो सीटें बीजेपी नहीं जीत पाती है वहाँ से शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता को चुनाव लड़ाना चाहिए ताकि पार्टी की स्थिति मजबूत हो। दोनों ही पार्टियों में इस बात को लेकर घमासान चल रहा है कि इस बहाने एक दूसरे नेताओं को कैसे निपटाया जाए, उनकी टांग कैसे खींची जाए, कैसे अपनी ही पार्टी के नेताओं को कमजोर किया जाए, इसका षड्यंत्र करने के लिए चुनाव से अच्छा बेहतर समय और कोई नहीं होता। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, तो उन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के किन किन उम्मीदवारों के नाम हैं और कौन चुनाव में उतर सकते हैं? अभी शुरुआती दौर पर दोनों ही दलों में जो है उल्लेखनीय कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हर सीट को लेकर दो दो तीन तीन नाम का पैनल दोनों ही पार्टियों ने लगभग बना लिया है। दोनों पार्टियों की अपनी अपनी मुसीबतें हैं। बीजेपी के पास इस समय 29 में से 26 सीटें हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद कमलनाथ के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही है कि उनकी सरकार बनने के बाद
और किसानों का करोड़ों का कर्जा माफ करने के बाद मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस को लगभग 15 सीटें नहीं मिलती है तो इसका मतलब वो फ्लॉप मुख्यमंत्री कहलाएंगे और सीधा उनके कैरियर पर इसका असर होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो इस समय दोनों ही दलों में छिड़ी हुई है वो ये है कि कैसे कांग्रेस इंदौर, भोपाल और जबलपुर में ताकतवर उम्मीदवार खड़े करें ताकि वहां पर कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं इंदौर की, तो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन लगातार 8 बार चुनाव जीत चुकी है और कांग्रेस के उम्मीदवार सब हार कर घर बैठ गए। 9वीं बार फिर सुमित्रा महाजन मैदान पकड़ चुकी है, हालांकि उनका टिकट अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस के पास चुनाव लड़ाने के लिए जीतने वाला उम्मीदवार नहीं है। यही हालत भोपाल की है, वहां पर भी बीजेपी लगातार लंबे अरसे से चुनाव जीत रही है, कभी उमा भारती तो कभी कैलाश जोशी जैसे दिग्गज भोपाल से जीतते रहे। भोपाल से लोकसभा सीट कांग्रेस लंबे समय से नहीं जीत पाई, इसलिए वहां से भी किसी बड़े मजबूत नेता की तलाश की जा रही है। उसी तरह से ग्वालियर से जो सिंधिया चुनाव लड़ते आए हैं वो इस बार गुना से लड़े थे, अब उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे की भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके अलावा जबलपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राकेश सिंह लंबे समय से सांसद चुनकर आ रहे हैं, वहां पर भी कांग्रेस के पास कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं है। ये जो सारी स्थितियां हैं उन पर दोनों ही पार्टी निगाह रख रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राजगढ़ में रोड़मल नागर हो, खंडवा में नंदकुमार सिंह चौहान हो, या सागर में की बात करें, भोपाल की बात करें, तो वहां पर भाजपा के बाकी गुट के नेता स्थानीय उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं, वर्तमान सांसद के खिलाफ हैं, भाजपा के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। ये बड़ी बात है और दोनों ही दल इस बात को लेकर चिंतित हैं कि टिकट चयन करने में यदि चूक हो गई तो बड़ा नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पार्टियों के राजनीतिक दलों के मुद्दे क्या रहेंगे? वैसे राजनीतिक मुद्दे तो इस समय बहुत ही हास्यास्पद हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में वास्तविक जो मुद्दे हैं होना चाहिए वो न होते हुए चौकीदार जैसे शब्द पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कभी पुलवामा हमले को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने की बात होती है, कभी पाकिस्तान पर हमले करने को लेकर सेना का राजनीतिक दुरुपयोग करने की बात उठती है, लेकिन राजनीतिक दल आम जनता के मुद्दों को लेकर सामने नहीं आ रही है। ये बात सही है कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इस बात के लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये नोट जीएसटी, ये जो है चुनाव नोटबंदी और जीएसटी को लेकर हो, ये चुनाव में राफेल का हिसाब पूछा जाए, इस चुनाव में बेरोजगारों को रोजगार कितने लोगों को दिया इसका हिसाब पूछा जाए, इस चुनाव में ये पूछा जाए कि आखिर विकास का क्या पैमाना है और हिंदुस्तान की आर्थिक प्रगति कितनी हुई है। लेकिन जहाँ तक एरिए की बात है तो अलग अलग राज्यों में चुनावी मुद्दे दूसरे भी काम करते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भाजपा को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो ये है कि कांग्रेस ने जो किसानों के कर्ज माफ़ी का ऐलान किया था उसके आधार पर कर्ज माफ़ी शुरू हो गई है। ये बात सही है कि सारे किसानों के कर्जे अभी माफ़ नहीं हुए हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में काफ़ी आक्रामक तरीके से अपनी बात रख रही है और कांग्रेस को लगता है कि यही जादू कुछ चल सकता है कि किसानों की कर्ज माफी के नाम पर ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में जीते। लोकसभा चुनाव को लेकर आज हमने राजेश राठौर जी से ये चर्चा की है, तो ऐसी ही चुनावी समीक्षा के लिए आप लोग देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।